गोल्डन तीतर क्राइसोलोफस पिक्टस जिसे चीनी तीतर के रूप में भी जाना जाता है, तीतर की अधिक लोकप्रिय प्रजातियों में से एक है जो पश्चिमी और मध्य चीन के पहाड़ी जंगलों का मूल निवासी है। गोल्डन तीतर एक रंगीन पक्षी है जो चीन के पहाड़ी इलाकों में जंगलों का मूल निवासी है। वयस्क नर अपनी सुनहरी शिखा और दुम और चमकदार लाल शरीर के साथ अचूक होता है। गहरे नारंगी केप को प्रदर्शन में फैलाया जा सकता है जो एक वैकल्पिक काले और नारंगी पंखे के रूप में दिखाई देता है जो एक चमकदार काली पुतली के साथ अपनी चमकदार पीली आंख को छोड़कर पूरे चेहरे को कवर करता है। मादा बहुत कम दिखावटी होती है जिसमें सुस्त धबेदार भूरे रंग के पंख होते हैं। मादा के स्तन और बाजू वर्ग और काले भूरे रंग के होते हैं और पेट सादा बत होता है। उसके पास एक शौकीन चेहरा और गला है। कुछ असामान्य महिलाओं को बाद में उनके जीवन काल में कुछ नर पंख लग सकते हैं। नर और मादा दोनों के पैर पीले और पीले रंग के बिल होते हैं। गोल्डन तीतर को लगभग 100 साल पहले यूनाइटेड किंगडम में पेश किया गया था और गर्मियों में लगभग 101 से 118 संभोग जोड़े होते हैं। यह हार्डी गेम बर्ड ऑर्डर से संबंधित है, गैलीफॉर्मेस और तीतर की एक छोटी प्रजाति है। गोल्डन तीतर लेडी मेहर्स तीतर क्रिसोलोफस मेहर्सिया के साथ मिलकर रफ तीतर का समूह बनाते हैं जिसका नाम उनके रफ के लिए रखा गया है जो प्रेमालाप के दौरान उनके चेहरे और गर्दन पर फैला हुआ है। नर और मादा गोल्डन तीतर दिखने में अलग अलग दिखते हैं। नर की लंबाई 90 से 105 सेंटीमीटर होती है जिसकी पूंछ को लंबाई का 2/3 होती है। मादा 60 से 80 सेंटीमीटर लंबाई में थोड़ी छोटी होती हैं, जिसकी पूंछ को लंबाई का आधा होती है। इनके पंखों का फैलाव लगभग 70 सेंटीमीटर होता है और इनका वजन लगभग 630 ग्राम होता है। नर गोल्डन तीतर को उनके चमकीले रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके पास लाल रंग की एक सुनहरी शिखा है जो उनके सिर के ऊपर से उनकी गर्दन के नीचे तक फैली हुई है। उनके पास चमकीले लाल अंडर पार्ट्स, गहरे रंग के पंख और एक हल्के भूरे लंबी वर्जित पूंछ है। उनके दुम भी सुनहरे होते हैं, ऊपरी पीठ हरे रंग की होती है और उनकी छोटी काली पुतली के साथ चमकीली पीली आंखें होती हैं। उनका चेहरा गला और ठुडी जंग के रंग के होते हैं और उनके वेटल्स और कक्षीय त्वचा पीली होती है। चुंच पैर और पैर भी पीले होते हैं। पश्चिमी चीन में गोल्डन तीतर पाए जाते हैं। वे पहाड़ी क्षेत्रों में घने शंकुधारी जंगलों को पसंद करते हैं, लेकिन घने झाड़ियों के साथ मिश्रित जंगलों में भी पाए जा सकते हैं। मादा गोल्डन तीतर नर की तुलना में कम रंगीन और अधिक स्वस्थ होती हैं। उनके पास एक भूरे रंग का पंख, पीला भूरा चेहरा, गले, स्तन और पक्ष, हल्के पीले रंग के पैर और दिखने में अधिक पतले होते हैं। स्वर्ण तीतर निवास गोल्डन तीतर के पसंदीदा आवास घने जंगल और वुडलैंड्स और विरल अंडरग्राउंड हैं। गोल्डन तीतर गतिहीन और आमतौर पर एकांत पक्षी हैं। प्रजनन के मौसम के बाहर वे अकेले रहना पसंद करते हैं। ये मुख्य रूप से स्थलीय पक्षी हैं, जबकि वे कम फटने में अनाड़ी रूप से उड़ सकते हैं। वे दौड़ना पसंद करते हैं और अपना अधिकांश समय जमीन पर बिताना पसंद करते हैं। वे जमीन पर भोजन करते हैं, लेकिन रात में पेड़ों में बसते हैं। सर्दियों के दौरान झुंड अक्सर जंगल के किनारे पर मानव बस्तियों के पास चारा बनाते हैं, मुख्य रूप से गेहूं के पत्ते और बीज लेते हैं। यदि चौंका दिया जाए तो वे अचानक तेज गति से और एक विशिष्ट पंख ध्वनि के साथ ऊपर की ओर फट सकते हैं। गोल्डन तीतर विभिन्न स्थितियों में उपयोग की जाने वाली कॉल की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संवाद करते हैं। उनकी मुख्य कॉल चकचाक के रूप में लगती है और प्रजनन के मौसम में नर एक धात्विक कॉल का उत्पादन करते हैं। स्वर्ण तीतर आहार गोल्डन तीतर मुख्य रूप से अनाज, अक्षेरोकी, जामुन, ग्रब और बीज के साथ साथ अन्य प्रकार की वनस्पति पर जमीन पर फीड करते हैं। स्वर्ण तीतर व्यवहार गोल्डन तीतर बहुत डरपोक पक्षी हैं और दिन के दौरान अंधेरे घने जंगलों और जंगलों में छिप जाते हैं और रात के दौरान बहुत ऊंचे पेड़ों में रहते हैं। गोल्डन तीतर अक्सर उड़ने की क्षमता के बावजूद जमीन पर चारा बनाते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे उड़ान में काफी अनाड़ी होते हैं। हालांकि अगर वे चौंक जाते हैं तो वे एक विशिष्ट पंख ध्वनि के साथ अचानक तेज ऊपर की ओर गति करने में सक्षम होते हैं। जंगली में उनके व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी है क्योंकि नर बहुत रंगीन पक्षी हैं, लेकिन उन्हें पहचाना मुश्किल है। गोल्डन तीतर को देखने का सबसे अच्छा समय सुबह बहुत जल्दी होता है जब उन्हें समाशोधन में देखा जा सकता है। वोकलाइजेशन में चकचाक ध्वनि शामिल है। प्रजनन के मौसम के दौरान नर में एक विशिष्ट धात्विक कॉल होती है।
इसके अलावा पुरुषों के विस्तृत प्रेमाला प्रदर्शन के दौरान वे अपने गर्दन के पंखों को अपने सिर और चोंच पर एक एप की तरह फैलाएगा। स्वर्ण तीतर प्रजनन। मादा गोल्डन तीतर अप्रैल में लगभग 8 से 12 अंडे देती है। ऊष्मायन समय लगभग 22 से 23 दिन है। चूजे 12 से 14 दिनों के बाद भाग जाते हैं। नर अपने जीवन के दूसरे वर्ष के दौरान अपने चमकीले रंग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने पहले वर्ष में यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। स्वर्ण तीतर का जीवन काल 5 से 6 वर्ष का होता है।